अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। और आज है फ्राइडे और आज एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज हमारा जो माउंट जो है जो टूट गया था आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, वो माउंट हमारा आ गया है। मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया था और अभी मैं रिसीव करूंगा। फ़ोन तो अभी आया नहीं, हो सकता है एक दो घंटे बाद आ जाए, तो थोड़ी देर बाद रिसीव करूंगा। रिसीव करने के बाद फिर उसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। अनबॉक्सिंग करने के बाद फिर उसको लगा के एक डेमो दिखलाएंगे, ठीक है जी। मज़ा आया पिछली वीडियो में? नहीं आया, लंबी थी ना। दोस्तों, हम जैसे घर आए हमने देखा कि हमारा ये बॉक्स आ चुका है अमेजोन से, इसके अंदर सारा सामान रखा हुआ है, इसका यंत्र तो अम्मी ने हमारी ले लिया था। और जैसे मैं आया उन्होंने कहा कि ये लो तो सही, आज में थोड़ा सामान ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम इसको खोलेंगे, खोल के जल्दी से दिखाएंगे, वो दिखाने के बाद आप लोग को जल्दी से वीडियो को एंड करेंगे। और लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि थोड़ा लंबी वीडियो बनी थी, लंबी है कुछ वजह से, आप लोग अगर वीडियो देखे होगे तो समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें हमने माउंट ऑफ वगैरह चेंज किया था, तार को उधर उधर से लेके आए थे, माइक के वायर को देख रहे हो आप लोग। तो इसको हम लोग अभी यहाँ से अब हटाएंगे, अब हटा के जहाँ ओरिजिनल जगह थी वहीं पर आगे करेंगे। तो रविन का हम हैप्पी बर्थडे करने जा रहे हैं, चलिए आप लोग को दिखलाते हैं। ये हमने काटा तो हमारे साथ ये निकलता है ये, और इसके साथ जो फिर हमें बिल वगैरह भी मिलता है, कागज़ पत्थर। तो चलिए देखते हैं हम लोग। दोस्तों, ये आया है हमारे पास, ये इस तरह की पैकिंग है और इसमें कुछ कार्ड वार्ड रखा हुआ है। इसको जल्दी से खोलते हैं, खोल के आप लोग को दिखलाते हैं। तो इसको जल्दी से हम निकालते हैं जो कार्ड है, और उसके बाद ये पूरा खाली कर दिया हमने। हमारे साथ दो तीन सामान मिलता है, ये है स्टिकर, और उसके बाद ये कार्ड, और ये माउंट जो कि यहाँ पे ऐसे लग जाएगा और फिर इसमें गोप्रो फिक्स हो जाएगा। और ये हमने ये वाला इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक है, मतलब इसमें कोई भी हम माउंट लगा सकते हैं, कुछ भी चीज़ लगा सकते हैं, तो ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए। और ये थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट कंपाउंड है, मतलब ताकि स्क्रैच वगैरह ना आए। और अब इसको जल्दी से हम हेलमेट फिक्स करते हैं और आप लोग को दिखलाते हैं। A few moments later. ओहो, हमने अपने माउंट को लग कर लिया और अभी हम जा रहे हैं छोटे छोटे ट्रायल। अभी देखिए कितना फैल गया है रायता, जा रहे हैं बाहर ट्रायल कर देखने की कैसी आवाज आ रही है। मेहनत होगी काफी, देख लेते हैं कि जो माउंट हमने लगाया है ये सही एंगल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सही एंगल दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो पैसा वसूल। ये माउंट पे डायरेक्ट हमने इसको टाइट कर दिया है और गेम्स ऑन। ड्यूक नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं अपनी स्कूटी एक्टिवा। एक्टिवा थोड़ा कॉम्पैक्ट है और कीचड़ है भैया अभी, और ड्यूक चलाने अच्छा नहीं है, अभी हवा कम है टायर में। तो मैं छोटी सी राइड कर लेते हैं जिसमें हमारा टेस्ट हो जाए कि सही है कि ख़राब है। ट्रायल ले रहे हैं और ट्रायल लेने जा रहे हैं, दिखाते हैं आप सभी लोगों को। अपने को फिलहाल वीडियो टेस्ट करनी है, ये जो माउंट लगा है क्या ये प्रॉपर तरीके से वीडियो से ले पा रहा है। आवाज़ का तो मसला कि ख़त्म हो गया है, मुझे तो नहीं लगता आप शायद आपको शिकायत करें। हमने जो है माउंट जो अभी आया है उसी को हमने लगा के जो है कैमरे को फिक्स किया है, बट थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे, कैमरा थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए, बट देखते हैं कि क्या कैसा व्यू दिख रहा है। क्योंकि अपने को यार मतलब बादल ही बादल देख के नहीं चलना है, अपने को मतलब प्रॉपर तरीके से पूरा व्यू दिखे, व्यू कैप्चर हो। आ रही है यार स्टेशन से और ये रोड जा रही है करेलाबाद, करेलाबाद की तरफ जा रही है। तो भाइयों, हम लोग थोड़ा सा एक ख़राब रास्ते से भी जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि ऊबड़ खाबड़ में भी आवाज़ कैसी आ रही है और फ्रेम क्या बन रहा है। तो ये चाट वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये बहुत फेमस चाट वाले हैं, कीचड़ में चलाने की दिक्कत है, कुछ उड़ के आया है मेरे पे, गंदगी लगी है। और बताइए आप लोग, सजेस्ट करिए कि अगली ट्रिप कहाँ हमारी हो, क्योंकि अभी हमारे बॉयज़ जो हैं सब बिजी हैं। सॉरी कीड़ा, मैंने कहा था ना कुछ आके चिपका है, कीड़ा चिपका था वो भी मेरे अंगूठे पे। अंधेरा आ रहा होगा, रात का वक्त है तो थोड़ा क्लियर विजन नहीं आ रहा होगा। GoPro Hero 5 भी काफ़ी अच्छा काम हमारा कर रहा है। अभी इस बीच मैंने दो तीन महीने में काफ़ी गैजेट और काफ़ी मोटा पैसा खर्च कर दिया है, और अब जो है मैं प्रॉपर तरीके से काम जैसे कर रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है ना कि जब कोई चीज़ दिक्कत करती है, जैसे माइक दिक्कत कर रहा था, चीज़ें हो रही थी तो खूब परेशान थे, बहुत मंगाया, टेस्ट किया, देखा था। तो अभी क्या है कि अब आराम से सुकून स्टेशन से काम करेंगे। और अभी आईफोन भी चेंज कर दिया हमने, तो क्वालिटी आप लोग को दिखी रही होगी कैसी है। मैं कंफ्यूज ये था कि आईफोन लूँ या कैमरा लूँ, क्योंकि ले तो लिया जाए मगर अभी कैमरा कोई हमें सेटिंग वेटिंग अपनी खास पता नहीं है, आ जाता तो पता चल जाता, मगर कैमरे में मैं फ्रीली नहीं हूँ जितना मैं मोबाइल फ़ोन में फ्रीली हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आईफोन ही ले लूँ, और हमने लिया है 11 प्रो। थे आप लोगों के सपोर्ट से बस यार, और सपोर्ट करिए आगे और भी अच्छा काम करें। और कुछ गाड़ी हमारी दिक्कत कर रही है यार, पानी में, असल में एक जगह पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, वहीं पे हम चले गए, उसके वजह से तो बहुत गाड़ी थोड़ा सा रुक रुक के चल रही है। एक्टिवा भी हमको कल ठीक करनी होगी, मतलब बोले तो थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। चलिए, हमारे लिए एक छोटा सा सेशन था बाहर का, क्योंकि मुझे चेक करना था आवाज़, वीडियो की पोजीशन आप लोग देख ही रहे हो। तो आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो
लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे या बुरी लगे वो दोनों हमें जरूर बताया करिए। कमेंट कर दीजिए भाई कुछ भी अगर कमी लगे तो हमें जैसे कमेंट कर दीजिए करिए। और वीडियो को लाइक करना है, लगता है कि काम बन गया होगा हमारा। और इतना छोटा सा माइक है कि जिसकी वजह से हमने कहीं भी इसको लगा सकते हैं, और शीशा बंद करने के बाद आवाज़ और अच्छी आती है और ऐसे भी बहुत अच्छी आती है। हाय करो, हाय। इतने बहुत से लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम ऐसी हरकत कर रहे हो? हाँ, गंदी बात। इस वाली टेबल पे काम करेंगे और अब हम जो है इस टेबल पर फिर से काम करेंगे। किसी को अगर पेडॉप स्टैंड भी चाहिए हो तो वो ले सकते हैं। स्टैंड पोजिशन चेक करते हैं, वॉइस चेक करते हैं, GoPro, stop recording.